इंजीनियर डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काया चिकित्सा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, जयोगी विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। इन दिस सेशन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट रोहिणी दोष। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द निदान एंड पूर्ण रूप इन माय लास्ट सेशन। टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट द लक्षण और सिम्टम ऑफ द डिजीज। प्रीवियस सेशन में जैसे कि हमने ये व्याधि के निदान के बारे में बात किया, तो किस तरह के निदान होते हैं हमने देखे कि अघोषणात्, अजीर्णति घोषणात्, विषमाशनात्, असाथ में गुरु रोग की संतुष्ट भोजन की वजह से, विरेक वमन के और स्नेह के विभ्रम की वजह से, व्याधिकर्षण की वजह से, देश काल और ऋतु वैषम्य के कारण व्याधि की उत्पत्ति हो सकती है। इसके पश्चात हमने देखा था कि व्याधि के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। आचार्य चरक और सुश्रुत ने चार चार प्रकार के बताए थे, आचार्य माधव ने छह प्रकार का बताया, करना से ने चार प्रकार का बताया था। अगर व्याधि के पूर्व रूप की बात करें तो व्याधि के पूर्व रूप में हमने देखा था तृष्णा, आलस्य, वैश्य, अन्य का विदाही और जो है चिराग, देर से पाक होना, शरीर के अंदर भारीपन और गौरवता का आना, ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस सेशन के अंदर डिस्कस की थी। आज हम देखेंगे कि अगर गृहिणी किसी को हो गया है तो वो किस तरह के लक्षण ये व्याधि के अंदर उत्पन्न हो सकते हैं। तभी हम देखें कोटेशन के अकॉर्डिंग, अतिश्रेष्ठम विबद्धम व द्रवम तदुपदिश्यते, तृष्णा अरोचक वैरस्य प्रसेक्तम कांडुत है, शूलपात करह स अस्थि पर्वरूप छदनम ज्वर है, लोह आम गंधी स्थितम लुद्गारस्य जायते। आचार्य चरक ने चरक चिकित्सा 15 गृहिणी दोष चिकित्सा के अंदर बताया है कि ये व्याधि में किस तरीके के लक्षणों की उत्पत्ति होती है। इन्होंने कहा अतिश्रेष्ठम विबद्धम व द्रवम तदुपदिश्यते कि ये जो व्याधि है ये व्याधि के अंदर इनरेगुलर बॉबल मूवमेंट की वजह से, आंखों की जो गति है वो डिस्टर्ब होने की वजह से, जो मल है उसकी प्रवृत्ति किस तरीके की होती है, मल की प्रवृत्ति होती है विबद्धम व द्रवम, या तो अत्यधिक बंधा हुआ मल होगा या तो द्रवित मल होगा। अर्थात कभी रोगी को कब्ज की शिकायत होती है तो कभी रोगी को डायरिया की मल का प्रवृत्ति जो होती है, पतला आएगा, बार बार आएगा इस तरीके का, और कभी बहुत सख्त मल जो होता है इसकी प्रवृत्ति रोगी को होती है। इसके अलावा किस तरह के लक्षण और देखने को मिलते हैं, तृष्णा रोगी को प्यास लगेगी बहुत बार बार, और रोचक, और रोचक मतलब पेशेंट को खाने के प्रति रुचि का ना होना, भूख का ना लगना, वैरस्य कि जो वैर की एक भावना, जो भी हम भोजन देखते हैं उसके प्रति इच्छा का ना होना रोगी को इस तरीके की चीज़ होती है। इसके अलावा जो है प्रसे मुख से सलाइवा सिक्रीशन जो है वो रोगी को बढ़ जाता है, मुँह में बार बार सलाइवा आता है। इसके अलावा तम कांडिता, तम कांडिता डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ आईज या आंखों के सामने अंधेरा आ जाना जो है कि आंखों के सामने अंधेरी आएगी। इन सब का रीज़न यही है कि जब रोगी का खाना ढंग से पचेगा नहीं, डाइजेशन प्रॉपर तरीके से जब पेशेंट का नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में वीकनेस आएगी और वीकनेस की वजह से रोगी को सर्कुलेशन जो है इम्प्रॉपर होगा और इस माइंड शॉर्ट जो होते हैं ना एक तरीके से मूर्छा वाले जो अटैक हैं वो पेशेंट को आएंगे। ठीक है, आंखों के सामने अंधेरी रोगी को आएगी। ठीक है, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा शूलपात करें, इस तरह का जो रोगी है, गृहिणी का जो रोगी है, इस तरह के रोगी को हाथ और पैरों में चोट की उत्पत्ति हो जाती है और से अस्थि पर्व रूप और वही वीकनेस की वजह से रोगी की अस्थियाँ जो होती हैं ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस रोगी को आने लगते हैं, क्रेपिटेशन जो है वो साउंड रोगी के जोड़ों में प्रोड्यूस हो जाता है, रोगी को छर्दी, छर्दना, वॉमिटिंग ड्यू टू इंडाइजेशन, अपच और ज्वर जो है वो रोगी को देखने को मिलता है। जैसे आम के कारण भी शरीर में का जो टेम्परेचर है, ताप जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा लोह आम गंधी स्थित अम्ल उद्गारस्य जायते, रोगी को जो उद्गार आएंगे उसमें
तरह के जो होते हैं आप जो उद्गार जो खट्टे खट्टे पेशेंट को डका रहे हैं। इसी के अलावा जो है लोग आम गंधी यहाँ पे कहा है इन्होंने कि जो रोगी को लोहे के समान गंध वाला या फिर आम गंधी जो है तिक्त और अम्ल जो उद्गार जो होते हैं वो रोगी को आते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट और कॉम्पिटेटिव आस्पेक्ट ऑल्सो। ये लक्षण कौन सी व्याधि का है तो ये लक्षण जो है ग्रहणी रोग का लक्षण आचार्य चरक ने बताया है कि लोह आम गंधी तिक्तम उद्गार। अगर यहाँ पे अगर हम जैसे वाति ग्रहणी का देखें तो वाति ग्रहणी भी स्पेसिफिकली रोगी को वात वृद्धि की वजह से विबद्ध जो है ता का लक्षण ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो वाति ग्रहणी में परिकर्तिका जो है वो रोगी को फिशर के चांसेस पेशेंट को रहते हैं, फिशर देखने को मिलता है वाति ग्रहणी में। अगर हम पूति पैति ग्रहणी की बात करें तो पैति ग्रहणी के अंदर पूति अम्लोद्गार जो है वो रोगी को देखने को मिलते हैं। पूति अगर हम कफल ग्रहणी की बात करें तो कफल ग्रहणी में हृदय मन्यते चुतम। इसी के अलावा रोगी को कुछ खाने के पश्चात में रोगी को इस तरह का रहता है कि उसने जो है शरीर का वजन होने के बावजूद भी बल क्षय की प्रतीति होती है। इस तरह के लक्षण रोगी को देखने को मिलते हैं ग्रहणी रोग में। थैंक यू सो मच। इफ़ यू फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद दिस सेशन प्लीज़ मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट। थैंक यू।